एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज आ रहा हूँ मैं लंबी राइड पे और आज हम जा रहे हैं गुजरात। जा कहाँ रहे हैं वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा और रास्ते में आपसे मिलता हूँ। अभी सब सामान सेट है, आई विल जस्ट पैक अप एंड गेट रेडी फॉर द राइड। सी यू ऑन द रोड। तो अभी सब सामान सेट हो गया, आई एम रेडी, वाइफ इज वार्मिंग अप। अभी निकलते हैं राइड पे एंड विश मी गुड लक। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सो एज आई सेड कि सड़क पे मिलेंगे। अभी वो सही क्रॉस करा है आशीष, और हम दोनों जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। निकलते हुए थोड़ा लेट हो गए थे, बट एनी हाउ स्टिल ऑन टाइम। काफी धुंध थी पहले, अभी थोड़ा अच्छा हो गया। वेरी प्लेजेंट, क्या मस्त ठंडी हवा लग रही है। तो एक्चुअली रैंडम प्लान बना कल कि कहीं राइड पे चलते हैं, तो थॉट ऑफ लेट्स गो एंड हैव अ शॉर्ट राइड। तो अभी मैं बात करना चाहूँगा अपनी बाइक की। अगर मेरा कोई भी ये वीडियो देख रहा है जिसको बाइक लेने में कोई डाउट है अभी भी कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो आई वुड 110% रेकमेंड BMW 310 GS। इन दिस सेगमेंट इट इज फिनोमिनल। द मोर यू राइड इट द मोर यू गोना फॉल इन लव। टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक। रबर नहीं है भाई का जूड़ा खराब हो गया। एक मेरा ना एक क्वेश्चन क्विक क्वेश्चन 100-150 किलोमीटर के बाद क्या होता है? ठीक है, पूछ रहा हूँ, बस क्वेश्चन बाकी है। 100-150 किलोमीटर बाद क्या होता है? क्या मजा आने लगता है इसलिए हम रुकते हैं, या पिछड़ा सुन पड़ जाता है इसलिए हम रुकते हैं? पता नहीं चलता। तो उसमें क्या होता है, अगर वो सुन पड़ गया है तो फिर नहीं रुकते हैं। जब पढ़ने वाला होता है ना तब रुक जाता है, जैसे अभी रुक गए, अभी थोड़ा पढ़ने वाला था सुन। तो वही समझ नहीं आ रहा था मेरे को, मतलब हम सुन पड़ जाते हैं, मतलब एकदम पड़ जाता है। कुछ है नहीं, क्या कहोगे? आशीष, हम दोनों पहली बार साथ में राइड कर रहे हैं। तो कैमरा एंगल खराब है आपका, ठीक है? तो आशीष, हम पहली बार साथ में राइड कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या बताएं, मज़ा आ गया है। याद में कुछ बोलता नहीं है, बट ठीक है, शाम को लेते हैं इनकी थोड़ी। शाम को यही कैमरा रहेगा, यही हम रहेंगे और ये भी यही रहेंगे। जो लोग मुझे जानते हो ये क्या बोल रहे हैं, इनको पता भी नहीं है भाई। क्रॉस फिंगर्स फॉर मी। तो होपफुली राइडिंग, अगर जल्दी से जल्दी पहुंच गए तो यूनिटी जाने के बाद काफ़ी टाइम पास करेंगे। तो बहुत टाइम है, बहुत है। मोमेंट्स टू कैप्चर। चेयर्स टू द लाइफ, फर्स्ट टाइम राइडिंग विद डोगरा भैया, डोगरा रिंग। यस,
पेट पूजा हो गई, अभी चलते हैं, करते हैं तैयारी। कहाँ जा रहे हैं हम? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या चल रहे हम लोग जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने। इनके हिसाब से हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसको मैं सुबह से तीन बार जा चुके हैं हम। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहुंच चुका हूं सुबह से, हर बार मुंह से वही निकलता है। ये खतरनाक था, हमारे सारे खतरनाक होते हैं। अरे यार ये थोड़ा छोड़ डाला था मैंने। चलो मिलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच गए। यप, से हाय टू बर्मन। हाय। अपनी ब्रेक हो गई, अभी टाइम टू रोल। अबे तुम ये ओ करना बंद करोगे, ये बेसुरा रात गाते ही नींद आने लगती है। तो बाथरूम में जाके गाने का ना, सड़क पे नहीं गाने का। फिर आ गए भैया, तेले कितना बराबर आई थे यार, जीएसटी ढकना भी नहीं पड़ रहा है। So there it is. We made it. यहाँ पे डैम भी है, नाइस लोकेशन। It's among us. It's really among us. जैसे जैसे पास आ रहे हैं कितना बड़ा लग रहा है, जाइगेंटिक। सी, तो हमारा 4 बजे का स्लॉट है, 4 to 6 PM। Here we are, Statue of Unity. अभी पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। तो चले अब जाके हमें स्टारबक्स देखने को मौका मिला है। स्टारबक्स है क्या? ओ यस। एंड तो चाचा जी को देखने आए इतना दूर हम। चावल लेके करें।
पानी का व्यू भी है। आशीष से हाय। हाय, व्हाट्स अप? नथिंग्स अप। सो फाइनली वी आर एट स्टैचू ऑफ यूनिटी। इट्स जाइगेंटिक, एक्चुअली जाइगेंटिक। So let's say bye bye to our beloved चाचा जी। फिर मिलते हैं राइड पे कल और करते हैं खूब मज़े, क्योंकि ये तो थोड़ा बुजुर्गों वाला एरिया, अपना मज़ा तो रोड पे ही है। मिलते हैं। सो चाचा जी बाय, थानू मिल के बहुत चंगा लग्या, अगली बार फिर आवेंगे। सो बाय, सी यू ऑन आवर नेक्स्ट राइड। बाय बाय फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सायनारा। And the sun went down.